स्टूडेंट्स, हम आज आपके डिस्कस करना चाहेंगे लाभांश। लाभांश क्या होता है? कंपनी साल भर ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस करती है और बिजनेस ऑपरेशंस से, ट्रेडिंग से, मैन्युफैक्चरिंग और सेल के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम लाभांश कहते हैं। और ये लाभांश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन के पश्चात एक साधारण सभा होती है और संचालक मंडल उसकी घोषणा करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं, अनुशंसा करते हैं। उस अनुशंसा के आधार पर कंपनी अंशधारियों को जो लाभ में से जो हिस्सा देने का निर्धारण करती है उसको हम लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। तो लाभांश एक तरह से अंशधारियों को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा है जो कि कंपनी के लाभों में से किया जाता है। इसकी घोषणा संचालक मंडल एक सामान्य मीटिंग में करता है और वो घोषणा अनुमोदन होने के पश्चात उसको किया जाता है। तो डिविडेंड पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अलोकेटेड एंड डिक्लेयर्ड एट जनरल मीटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। लाभांश से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं उसका बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें पहला है कि लाभांश का स्रोत। लाभांश का भुगतान कंपनी के विगत सालों के या इस साल के जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनके प्रॉफिट से ही किया जा सकता है। गत वर्षों का कोई प्रॉफिट इकट्ठा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, या इस साल का कोई प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और कंपनी लाभांश देना निर्धारित करती है तो उसमें से उसका भुगतान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वो चीज़ें शामिल नहीं है जैसे अनरियलाइज्ड गेन है, नोशनल गेन है, या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है। इन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता प्रॉफिट की कैलकुलेशन के वक्त। लाभांश की घोषणा करते वक्त निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, आप स्वैच्छिक रूप से उसमें रिजर्व में से आप लाभांश वितरण के लिए पैसा ट्रांसफर कर सकती है कंपनी। अगर पर्याप्त लाभांश नहीं हो तो पर्याप्त लाभ नहीं हो कंपनी तो हो सकता है कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करे। अगर कंपनी के पास पर्याप्त लाभ नहीं है और कंपनी लाभांश देना चाहती है और उसके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में सेक्शन 123 का कंप्लायंस करते हुए कंपनी डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी के पास फ्री रिजर्व अगर मौजूद हैं तो फ्री रिजर्व्स में से भी कंपनी लाभांश की घोषणा कर सकती है। लाभांश की घोषणा करने से पहले कंपनी को लॉस का और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी लॉस और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किए बिना कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती। इनका एडजस्टमेंट से समायोजन करना पड़ेगा। संबंधित वर्ष में कंपनी चाहे तो इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी कर सकती है। इंटरिम डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड से पहले, बीच में कंपनी एक वित्त वर्ष में अगर कोई लाभांश देती है तो हम उसे इंटरिम डिविडेंड्स कहते हैं। इसके अलावा लाभांश की अंतरिम घोषणा की संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस है। उसमें यह है कि कंपनी लाभांश की घोषणा एनुअल जनरल मीटिंग में से पूर्व किया जा सकता है या एनुअल जनरल मीटिंग में भी की जा सकती है। ये लाभांश की घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ही की जाती है, उस तरह से सामान्य तरीके से नहीं कह सकती जब तक पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको प्रस्ताव को पास करता है और वो अनुशंसा करता है, उसके पश्चात ही एनुअल जनरल मीटिंग में या उससे पूर्व भी घोषणा की जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से एक AGM एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उसमें इसकी घोषणा की जाती है। लाभांश पर शेयर के हिसाब से होता है कि एक शेयर पर कितना लाभांश दिया गया, 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, जो भी उसको परसेंटेज में आप व्यक्त कर सकते हैं, तो वो पर शेयर इक्विटी शेयर हो जो है लाभांश घोषणा की जाती है। और लाभांश की का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उस स्टेटमेंट को जो है तैयार करना पड़ता है और लाभांश का वितरण अंशधारियों के खातों में घोषणा के 7 दिन के अंदर, 30 दिन की लाभांश की घोषणा के 30 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। और पेमेंट जब 30 दिन का पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद अनपेड डिविडेंड रहता है, उस अनपेड डिविडेंड का एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको कंपनी की वेबसाइट पर शो करना पड़ता है। मान लीजिए किसी खातेदार की मृत्यु होगी या किसी खातेदार का कोई बैंक खाता नहीं है या बाई पोस्ट आपने डिविडेंड वारंट भेजा और डिविडेंड वारंट का रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, अनपेड डिविडेंड रहा, तो इस प्रकार अनपेड डिविडेंड जो वित्तीय वर्ष में होता है उसका स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कंपनी की वेबसाइट पे
उसको इंडिकेट करना पड़ता है। ये कार्य 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, लाभांश भुगतान की तारीख के 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर जो है ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट पे 12% की इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी उस अमाउंट को जो अनपेड डिविडेंड है उस अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और उस पर जो ब्याज मिलता है वो उसके अंदर क्रेडिट होता रहता है। लेकिन अनपेड अकाउंट अनपेड डिविडेंड का एक स्टेटमेंट तैयार करके कंपनी की वेबसाइट पे डिस्प्ले करना अत्यंत आवश्यक है और वो डिविडेंड पे आउट की लास्ट डेट के 90 डेज में किया जाना जरूरी है। उसको देखकर कोई भी व्यक्ति अपना क्लेम फाइल कर सकता है, जिसको डिविडेंड नहीं मिला है वो क्लेम फाइल कर सकता है और वो अमाउंट जो है वो क्लेम फाइल कर सकता है। उसका क्लेम अगर जेन्युइन होता है तो ऐसी स्थिति में उसको पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन ये क्लेम अमाउंट ट्रांसफर होके 7 साल के अंदर ही किया जा सकता है, 7 साल बाद कोई क्लेम फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई क्लेम फाइल होने के बाद भी कोई अमाउंट बच जाती है तो उस पैसे को, उस अमाउंट को, अनक्लेम डिविडेंड के अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये प्रोविजन है जो कि है। इसके अलावा इस अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर इसको राशि को भेज दिया जाता है कि जनरल वेलफेयर के अंदर काम में आती है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में मैं अगर वो पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट क्लेम नहीं किया जा सकता। अगर उसका क्लेम किया जाता है तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस अपनाई जाती है। तो इसके लिए फिर सेक्शन 124 अंडर सेक्शन 6 का अंतर्गत डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, तभी अनपेड डिविडेंड के अंदर इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और शेयर होल्डर्स को पर शेयर परसेंटेज के अंदर या पर शेयर डिविडेंड दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि इस डिविडेंड या लाभांश की घोषणा कंपनी के संचालक मंडल के अंदर की जानी चाहिए और उसकी द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिकमेंडेड होना चाहिए, तभी लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। थैंक यू।